नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 12 द्रौपदी स्वयंवर। प्रश्न उत्तर का लिंक अलग से दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए, पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने जो कि मछली है को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पे सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को योग खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। ने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा की अनुभूति अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी।
माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्णा, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र द्रष्टुम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माँ कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यही जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाए, उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। बाल महाभारत कथा का भाग 12 समाप्त होता है। अगला भाग है इंद्रप्रस्थ। प्रश्नोत्तर का वीडियो अलग है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।